भगवान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त न कर सकूँ। जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उन समस्याओं का सामना करके जीना जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में हुआ था। कंस के आतंक के कारण माता पिता से बिछड़ कर गोकुल आना पड़ा इन्हें। वहाँ यशोदा द्वारा इनका लालन पालन होता है। कंस ने वहाँ भी इन पर जानलेवे हमले किए। जब मथुरा पर कंस के अत्याचार बढ़ गए तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी माँ यशोदा, बचपन के साथी तथा राधा और उस भूमि का त्याग करना पड़ा जहाँ उनका बचपन बीता था, क्योंकि उनका कर्तव्य उनके आड़े आ रहा था। कंस के अत्याचारों से मथुरा को स्वतंत्र कराने के बाद वे गुरुकुल चले जाते हैं। वहाँ शिक्षा पूर्ण कर जब मथुरा आते हैं तो जरासंध का अत्याचार बढ़ जाता है। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। जरासंध के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि मथुरा का त्याग करना पड़ा जहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ से वे द्वारिका आ गए। वहाँ उन्होंने कई कार्य किए तथा कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देकर मानव जाति को निस्वार्थ कर्म करने को कहा। यदि भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखे तो उन्हें हमेशा ही कुछ न कुछ त्याग करते ही रहना पड़ा।